दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कृष्ण ने राधा से क्यों नहीं की शादी। राधा और कृष्ण के प्रेम की कहानी आप सभी को पता ही होगी। उनके अमर प्रेम का उदाहरण आज भी लोग देते हैं। कृष्ण की राधा के साथ लीलाएं और राधा की कृष्ण के लिए दीवानगी का एहसास सभी को है। शायद इसी प्रेम के कारण राधा का नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है। फिर भी कृष्ण ने राधा से शादी नहीं की, आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या राधा सिर्फ कृष्ण की दीवानी बनकर ही रही? तो इसकी वजह हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, पुराणों में इसका उल्लेख तो दिया गया है, लेकिन इसके अलग अलग कारण बताए गए हैं और आज हम आपको ये बताने वाले हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कृष्ण एक बहुत कुशल, कूट, नैतिक दिल के थे, लेकिन राधा को तो सिर्फ प्रेम ही समझ आता था। माना जाता है कि उनकी प्रेम कहानी बचपन में ही शुरू हो गई थी। राधा कृष्ण से उम्र में बड़ी थी, लेकिन फिर भी उनको कृष्ण से प्रेम हुआ था। आप सभी को पता ही है कि श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार है, लेकिन राधा को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है और वह हर अवतार में उनकी पत्नी बनकर धरती पर अवतार लेगी। इस बात का उन्होंने स्मरण किया था। इसी कारण विष्णु जी को हर अवतार में लक्ष्मी जी से ही विवाह करना पड़ेगा। श्री कृष्ण लीला का वर्णन करने वाले गर्ग मुनि की रचना के अनुसार श्री कृष्ण बचपन में जब नंद बाबा की गोद में खेल रहे थे, तभी उन्हें एक अद्भुत शक्ति का आभास हुआ, जो और कोई नहीं बल्कि राधा थी। वो तुरंत ही बाल अवस्था से यवन अवस्था में आ गए। इसी समय ब्रह्मदेव ने राधा और कृष्ण का विवाह कर दिया और उसके बाद वो सामान्य हो गए। विवाह के बाद दोनों भी अंतर ध्यान हो गए और फिर से श्री कृष्ण बाल अवस्था में आ गए। और दूसरा भी एक उल्लेख है, जिसमें एक तरफ श्री कृष्ण का आग्रह था राधा से विवाह करने के लिए और दूसरी तरफ यशोदा और नंद जी की वश मर्यादा। माता यशोदा श्री कृष्ण को समझाती है कि राधा तुमसे उम्र में बड़ी है, वह एक छोटे ग्वाल की पुत्री है और साथ ही साथ राधा का विवाह कंस के एक सैनिक से तय हो चुका है, तो श्री कृष्ण राधा से विवाह करने की जिद छोड़ दे। माता यशोदा के कहने पर भी श्री कृष्ण नहीं मानते हैं तो माता यशोदा नंद बाबा को बताती है। श्री कृष्ण को लेकर नंद जी गर्गाचार्य और सांदीपनी ऋषि के आश्रम में जाते हैं और सांदीपनी ऋषि श्री कृष्ण को बताते हैं कि आपका जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ है और वो लक्ष्य से ना भटके। तो श्री कृष्ण ने कहा कि उनका मन गांव, गायों वालों और जंगल में ही लगता है और वो वही रहना चाहते हैं। कृष्ण की बात सुनकर गर्गाचार्य ने श्री कृष्ण की सच्चाई उनको बताई कि वो यशोदा और नंद के पुत्र नहीं है। उनके जन्म का उद्देश्य धर्म की स्थापना करना है। उनकी बात सुनते ही वो धीमी गति से गोवर्धन पर्वत की ओर चल पड़े। पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर वो डूबते सूर्य की ओर देखते रहे। काफी समय के बाद वह नीचे आए तो वो पूरी तरह से बदल चुके थे। लोग उनको एक नए तरीके से देख रहे थे और उनके चरणों में गिरकर अपना नमन प्रदान कर रहे थे। अपने गांव वालों के प्रेम का सम्मान करते हुए और अपने जीवन कार्य की ओर प्रस्थान करने से पहले एक आखिरी बार उन्होंने भव्य रासलीला का आयोजन किया, जहां उन्होंने खूब रास रचाया, नाचे, गाए और अपनी कमर की बांसुरी राधा को देते हुए कहा कि यह बांसुरी अब तुम्हारी, आज के बाद मैं कभी भी बांसुरी नहीं बजाऊंगा। राधा को समझ में आ गया कि कृष्ण हमेशा के लिए धर्म की पथ पर निकल चुके हैं। राधा ने बांसुरी ली और गले लगाकर कृष्ण को अलविदा कह दिया। उसके बाद कृष्ण भी द्वारका से कभी लौटी ही नहीं। इसी वजह से राधा और कृष्ण शादी नहीं कर पाए। एक और पौराणिक मान्यता के अनुसार राधा और रुक्मिणी एक ही थे। जैसे राधा को कृष्ण से प्रेम था, वैसे ही रुक्मिणी भी श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के सपने देखती थी, लेकिन रुक्मिणी के भाई ने उनका विवाह कहीं और तय कर दिया था। तो रुक्मिणी ने कहा कि अगर उनकी शादी श्री कृष्ण से नहीं हुई तो वह अपने प्राण त्याग देगी। श्री कृष्ण इससे पहले रुक्मिणी को नहीं जानते थे, पर फिर भी वह रुक्मिणी से विवाह करने के लिए चले गए। इसका कारण यह था कि राधा जी को ही रुक्मिणी का आध्यात्मिक अवतार माना गया है। इसके अनुसार कृष्ण का विवाह राधा स्वरूप रुक्मिणी से ही हुआ। अंततः सरल शब्दों में कहा जाए तो राधा कृष्ण का विवाह किसी स्थिति में सीधे तौर पर नहीं हुआ, परंतु उन्होंने एक दूसरे से ही जीवन भर प्रेम किया। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।